किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, ये जो दोनों पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये 2 वर्ष के पेड़ हैं मेरे, और ये कोलकाता पत्ती है जो गुट्टी वाला है। ये मैंने जून 2018 में लगाया था, तो 2 साल का हो गया है। और आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि इस माह में अगस्त का माह चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बरसात का समय है, कि आप इन पौधों में क्या काम करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान बहुत रखें, ये जो कार्य मैं आज बताऊंगा, ये 1 साल से लेकर जो पौधे 1 साल के हो गए आज या जून में 1 साल के हो गए और 3 साल तक के पौधों के लिए है, न उनसे छोटे पौधों के लिए है न उनसे बड़े पौधों के लिए है। तो जिन किसान भाइयों ने जून या जुलाई 2017 में पौधे लगाए थे या 18 में लगाए थे या 19 में लगाए थे, वे यह कार्य अवश्य करें। किसान साथियों, सबसे पहला कार्य क्या है आप देखिए ध्यान से। आप मेरे इस पौधे को देखिए, ये आसपास देखिए कितनी सफाई की है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मैंने जड़ के पास मिट्टी लगाई हुई है, जो टहनियाँ थी वो सब काट दी हैं नीचे से। तो देखिए, ये करीब 2 फीट की ऊंचाई है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 2 फीट की ऊंचाई है, यहाँ तक कोई भी शाखा नहीं है। जितनी भी शूट्स थी सब काट दी गई हैं, और इसके आसपास देखिए आप कितनी दूर तक मैंने सफाई कराई है। यानी सफाई आपको खरपतवार जितनी कैनोपी हो वहाँ तक, कैनोपी ये कहते हैं यहाँ तक, इसके चारों तरफ आपको सफाई करवानी है, ये पहला कार्य है। किसान साथियों, एक पौधा और देखिए, देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं इस पर, ये देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं। ये 2 साल का पौधा है, कितने नींबू लगे हुए हैं इस पर, वैरायटी मुझे नहीं पता, जब बड़े हो जाएंगे तब देखूंगा। आप देखिए कि कितना साफ किया हुआ है मैंने इनको, ये देखिए कितना साफ किया हुआ है मैंने। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भाई ने यहाँ पर थाला बनाया हुआ है, थाले से मतलब है कि यहाँ पर एक छोटी सी मेड़ दी हुई है जिससे कि पानी यहाँ पर रुके, तो बरसात में पानी न भरे इसलिए उस मेड़ को तोड़ दीजिए। ये हुआ दूसरा कार्य। बिल्कुल इस तरह से सफाई रखिए जैसे मैंने रखी है। ये देखिए, आप देख लीजिए कि चारों तरफ से किस प्रकार सफाई रखनी है आपको पौधे। अब किसान भाइयों, ये तो हुए आपके सामान्य कार्य 2। पहला कार्य, अगर थाला बनाया हुआ हो उसको तोड़ दीजिए, जड़ के पास थोड़ी मिट्टी लगाइए, और जो नीचे जो टहनी छू रही हो उनको काट दीजिए। वो पहले भी काट चुके होंगे आप, अगर काट दी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं काटी तो काट दीजिए, और आप इसके आसपास सफाई कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये पौधा बहुत अच्छा है, कितना हरा है, ये देखिए हरा हरापन है इनमें खूब, लेकिन कुछ पौधों में पीलापन भी आ जाता है, जैसे इस पौधे में आया हुआ, ये देखिए इस पौधे में। इस पौधे में पहले जड़ गलन रोग आया था जिसका हमने उपचार किया था, जो आप लोगों को बताया था, और अब ये पौधा सही हो गया है। अब इस प्रकार पीलापन हटाने के लिए हम क्या कार्य करेंगे, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। किसान साथियों, जो थाला हटाया है आपने, उससे क्या होगा कि पौधे की जड़ों के पास पानी नहीं रुकेगा, और जब पानी नहीं रुकेगा तो जड़ में जो गलन रोग होता है या जड़ में जो फंगस आती है वो नहीं आएगी और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अब आइए हम करते हैं कि इसके अलावा क्या कार्य करने हैं। किसान साथियों, ये देखिए, ये जो पौधा है ये पीला पौधा है, इस प्रकार बहुत से पौधे मिलेंगे आपको। अब इनको हम हरे कैसे करें, इसका मतलब है इसमें कुछ कमी है। इस माह में जो कार्य आपको करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। किसान साथियों, हमें पौधे को स्वस्थ रखना है। हम लोग अगर अपनी भूख मिटाते हैं तो हम सिर्फ खाना खाते हैं, रोटी और दाल खाते हैं, इससे हमारे शरीर की पूरी आवश्यकता पूरी नहीं होती, और कभी कभी डॉक्टर कहता है कि इसमें विटामिन्स की कमी है। इसी प्रकार पौधों में सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जाती है। जो मैं आज कार्य बता रहा हूँ वो हैं पौधों में जो 3 मुख्य सूक्ष्म तत्व चाहिए होते हैं इस महीने में, उनको किस प्रकार दें। किसान साथियों, पहला है जिंक सल्फेट।
ये मैं एक पौधे की मात्रा बता रहा हूँ, और फिर ये बता रहा हूँ कि जो पौधे पीले हों या नहीं हों आप सब में दे सकते हैं, लेकिन एक वर्ष से तीन वर्ष के पौधों में। तो प्रति पौधे की मात्रा बता रहा हूँ, जिंक सल्फेट 10 ग्राम। जिंक सल्फेट क्या कार्य करता है, ये पत्तों का पीलापन हटाता है और पत्ते बिल्कुल गहरे हरे रंग के हो जाएंगे, जैसे ये हो रहे हैं, गहरे हरे रंग के होंगे। किसान साथियों, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको 20 ग्राम लेना है। इसके दो कार्य हैं, पहला कि पौधे को जमीन में जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको उपलब्ध कराने में सहायता करता है, यानी सूक्ष्म तत्वों के आदान प्रदान में ये सहायता करता है। तो जमीन में जो भी सूक्ष्म तत्व हमारी ज़मीन में होते हैं उनको ये पहुँचाने में सहायता करता है, या आपने दिए हैं ज़मीन में उनको ये पौधे तक पहुँचाएगा। और दूसरा है कि जब पौधे पर फूल आएंगे तो ये फूलों को रोकने में भी सहायक होगा। ये तो हुआ मैग्नीशियम सल्फेट का, जिसकी मात्रा होगी 20 ग्राम प्रति पौधा। किसान साथियों, तीसरा है सल्फर 90%। किसान साथियों, सल्फर हमारे को पौधे की जड़ों में फंगस से बचाव करता है, और थोड़ा इसमें जो सल्फर की कमी होती है जिसके वजह से थोड़े पत्ते पीले हो जाते हैं उनको भी ये दूर करता है। किसान साथियों, अब ये तीनों को मिला लेना है। तीनों को मिलाकर आपको, जैसे हमने आज डाला है, इतने मतलब थोड़ी दूर में 6 इंच दूर में यहाँ मिट्टी में डालकर और खुरपा निकाल देना है। उसके बाद आपको इसमें पानी देना है। अगर बारिश हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसमें पानी दीजिए। प्रति पौधा कम से कम 5 लीटर पानी दीजिए। पानी देना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, एक अंतिम बात, आपको याद होगा कि पौधों में जून के अंत में जैसे ही पहली बारिश हुई थी हमने खाद दिया था। अगर किसी भाई ने गोबर की खाद जून या जुलाई में नहीं दी है, पिछले 2 से 3 महीने में नहीं दी है, तो इस समय वो 10 से 15 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद भी अवश्य दे। उसके लिए जो खाद देने का तरीका वो करें, और उस खाद में ही ये जो तीनों चीज़ें हमने बताई हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर भी मिला दें, और फिर पौधों को पानी दें। किसान साथियों, आप देखेंगे कि 10 दिन बाद आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे। किसान साथियों, अब बात करते हैं जैविक खाद की। किसान साथियों, एक बोन मील लाइए, 1 किलो इसमें बोन मील डालिए और 1/2 किलो नीम की खली डालिए। इसके साथ में आपका जो इफ़को के जो जिंक बैक्टीरिया आते हैं, आप जिंक बैक्टीरिया डालिए, उन सबको मिलाकर आप पौधे में ज़मीन में दीजिए, और उससे भी अच्छा ही असर आएगा। ये हुई जैविक खेत की बात। जो बोन मील है उससे आपको कैल्शियम मिलेगा और जिंक भी मिलेगा और मैग्नीशियम भी मिलेगा। बाज़ार में कई प्रकार के आते हैं, मैं जो प्रयोग करता हूँ, मैं कोहिनूर वाला करता हूँ, वो एक तरह से जैविक खाद भी है और उसमें बोन मील भी है। और जो नीम की खली है उससे आपके कीड़े भगाने में और भी कई पोषक तत्व मिलते हैं। तो जैविक खाद में आप बोन मील वाला कोई भी जैविक खाद डालिए और नीम की खली डालिए, और जो इफ़को के जिंक बैक्टीरिया आते हैं उनको भी डाल सकते हैं, वो भी डालिए, और दूसरे भी अन्य माइक्रोन्यूट्रेंट के उनके जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको अप्लाई कीजिए। ये हुई जैविक की बात। और हाँ, निश्चिंत रहिए, अगला माह सितंबर का माह होगा। आपको याद है हस्त बहार, सितंबर से हम हस्त बहार की तैयारी करेंगे। आपको जो भी करना है 31 अगस्त तक कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कि मार्च, अप्रैल और मई में प्रत्येक किसान की इच्छा होता है कि मेरे पौधों पर नींबू आए। तो जिन किसानों के पौधे 3 साल से बड़े हो गए हैं, हम कहते हैं कि बीजू पौधे, अगर आपके पास गुट्टी वाले पौधे हैं तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल से बड़े होंगे और स्वस्थ पौधे होंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो हम आपकी हस्त बहार लेने में सहायता करेंगे। और इंतज़ार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं कैसा लगा वीडियो। इससे मेरा साहस बढ़ेगा और मुझे अगर कोई गलती हुई है तो उसका पता चलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।